अबे ये Q&A क्या होता है? कुछ आइडिया नहीं भाई, रुक गूगल पे सर्च करते Q&A मीनिंग। ये क्या है ये? क्विंटिक को क्वांटिक, क्वांटिक क्यों, क्वांटाइन क्यों, नॉर्थ अमेरिका, मतलब इस पर वीडियो बनाने हमें आज भाई। वो सेकंड वाला देखो ना, वो क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाने आज बनाते तीचा मायला, उसमें क्या है? ऑल राइट गाइस, जिस चीज का आप सभी को था इंतजार वो वीडियो में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। गाइस आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे Q&A कब आएगी, 100 के हो गए अभी तक Q&A क्यों नहीं डाला, तो इन्हें बोला था संडे को डालूंगा, अब तक क्यों नहीं आया। सो गाइस आज है संडे एंड आज मैं आप सभी के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहा। तो गाइस सबसे पहले हमसे पूछा है गेमिंग विद रॉकी ने, भाई आपका कितना लंबा है? कितना लंबा है मेरा? 9 इंच। भाई ये कितना पर्सनल जा रहे हैं भाई, ये इतना पर्सनल क्यों? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आपका YouTube पर कितना लंबा कैरियर? करियर मेरा बहुत लंबा है। क्या करियर बहुत लंबा है इनका? एंड उसके बाद गाइस हमसे पूछा है यहाँ पर दीपांश ओपी ने, व्हाट इज योर रियल नेम? आप में से बहुत सारे लोगों को हमारा नेम के बारे में जानना है, आप में लोग हमें प्यार से हाइपर बोलते हो, लेकिन मेरा रियल नेम क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कौन है तू? बोलना कौन है तू? बोलना कौन है तू? राजवीर सिखावत IPS। ब्लू मैन, ब्लू बॉय, जीनी, बाबलीगंज। मेरा नाम राकेश है। हैं? राकेश? या बट यू कैन कॉल मी बैड बॉय राकेश। सो गाइस यही था मेरा रियल नेम, मेरा रियल नेम है राकेश मलिक, आप लोग राकेश भाई मुझे बोल सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे अलवाहाजित जी ने पूछे कि आप कौन सी क्लास में मोबाइल मिला था? तो गाइस मुझे 7th क्लास में पहली बार बटन फ़ोन मिला था, लाइक आप लोग इन्फिनिक्स का कोई बटन फ़ोन था तो वहाँ से अपने पास फ़ोन आया, तो आप लोग सोच सकते हो 7th क्लास से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद गाइस स्माइल वाइटी ने हमसे पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। भाईजान आप मोहब्बत करते वक्त क्या चीज़ देखते हैं, मतलब महबूब में क्या अदाएं होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे? आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। समझ सकते हो यार, सिंगल लोग क्या ही कर सकते हैं। और प्लेसी गेमिंग ने हमसे पूछा है कैन यू गिव समथिंग टू योर सब्सक्राइबर इन FF। अब में से बहुत सारे लोग जो है गाइस बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर किसी यूट्यूबर्स को देखे होंगे जो हजारों डायमंड्स अपने सब्सक्राइबर की आईडी में डालते हैं एंड वीडियोस बनाते हैं एंड यूट्यूबर डालते हैं वीडियोस को, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के एडोब परचेस किए, लाइक 200 से भी ज़्यादा लोगों के एडोब परचेस किए, बहुत सारे लोगों को रिडीम कोड दिए, लेकिन कभी भी हमने वीडियोस नहीं बनाई। हमारा नेचर ही वैसा नहीं कि हम वीडियोस बनाए यूट्यूब पर डाले सिंपति ले, सो इस टाइप का मजा नहीं आता है ना यार, इस टाइप का मन भी नहीं करता वीडियोस बनाने का। एंड उसके बाद 05 एडिट्स ने पूछा कि आपने एनिमे देखा है और देखा है तो कौन सा? सो गाइस आप सभी को बता दूं राइट नाउ गाइस मैंने बहुत सारे एनिमेस देखे हैं, उनमें से पर्सनली 2 मेरा फेवरेट आप लोग कह सकते हो, नारुतो की सारी सीरीज, नारुतो, नारुतो स्पिडेंट एंड बोरुतो सीरीज एंड उसके बाद डीमन स्लेयर्स कह सकते हो। लिटरली ये दोनों एनिमे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, स्क्रिप्ट एंड स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा तगड़ी है इनकी, सो आप लोग भी एक बार वॉच करना, अगर आपने देखा है तो आप लोग बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या था इन दोनों एनिमे को देखने के बाद। उसके बाद गाइस ओनली सीएस गेमर ने पूछा अपने फ्री फायर अकाउंट में कितना टॉप अप किया है? मज्जा तेरा घर जाएगा उसमें। सो गाइस अगर मैं बता दूं आप सभी को तो इसमें तेरा घर चला जाएगा गाइस, मैंने इतना टॉप अप किया भाई फ्री फायर के अंदर की क्या ही बताए आप सभी को, रहने दो इस क्वेश्चन को। उसके बाद गाइस पूछा है मिस्टर आदित्य टिप्स ने योर फर्स्ट आईडी, तो गाइस आप सभी को बता दो गाइस मैं हमेशा वीडियोस में कहते रहता हूँ कि मेरी एक दूसरी आईडी थी जिसमें भाई बहुत सारे पुराने आइटम्स थे, लेकिन एक दिन हुआ क्या कि मेरा फेसबुक का मैं पासवर्ड चेंज कर रहा था, वहाँ पे वेरिफिकेशन आ गया एंड दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि वेरिफिकेशन को कैसे हटाया जाए, तो जिसकी वजह से वो आईडी मेरी वैसी की वैसी रह गई एंड फिर अंटिल 2 साल बाद मैंने इसको खोला तो उसके अंदर से सारे डाटा उड़ गया एंड लॉगिन किया तो मेरा आईडी बिल्कुल भी नहीं आया। सो एक तो सैड मोमेंट था उस टाइम पे, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, मेरी फर्स्ट आईडी आपने देख ली तो कैसी दिखती होगी। उसके बाद अपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया गाइस? सो गाइस आप सभी को बता दूं लाइक शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। YouTube मैंने गाइस एज अ देखा था बहुत सारे क्रिएटर्स को, लाइक जब वो बाहर निकलते तो भीड़ सी लग जाती है, लोग सेल्फी लेते, एक सेलिब्रिटी का फील आता है। सो गाइस मेरे को भी वैसा करने का मन था कि जब भी मैं बाहर निकलूँ तो मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाए, सेल्फी सेल्फी बोले लो भाई एक सेल्फी ले लो, सो एक थोड़ा सा फेमस होना था, तो जिसकी वजह से YouTube मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अपने खुद घर के प्रॉब्लम्स थे लेकिन जिसकी वजह से मैंने YouTube को वो
फेमस होने से ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए, रियलिटी बात बता रहा हूँ, पैसा अर्निंग करने के लिए, क्योंकि मुझे मैंने यूट्यूब को फिर करना शुरू किया, लाइक मतलब यूट्यूब से पैसे आएंगे, थोड़ी बहुत मेरे प्रॉब्लम्स की हेल्प होगी, घर में कोई भी काम करने वाला सो नहीं है, सो अपने लिए कुछ करना था, घर के लिए कुछ करना था, वो मेरा यूट्यूब पे अब यही मोटिव है कि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा कर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊँ। उसके बाद पीजी ऑरा ने पूछा, प्लीज़ फेस रिवील। सो गाइस, अभी तो फिलहाल फेस रिवील का कोई मेरा वो नहीं है, लाइक मैंने सोचा था कि फेस कैम के साथ ये क्यों नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरा मूड बदल गया, लेकिन आने वाले टाइम में फेस रिवील होगा गाइस, एंड कब होगा वो तो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा कि एक और यहाँ पर पूछे हैं नूब्रो FF ने, आपका ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाने का आइडिया कहाँ से मिला एंड योर रियल नेम? रियल नेम तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाने की आइडियाज लाइक मेरे को एक यूट्यूबर से मिला था, लाइक जिसका गेमिंग विद सिन्हा नाम था, लाइक मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था एंड मेरे भाई ने भी बोला था कि एक बार बनाकर देख, क्या पता वीडियो वायरल हो जाए, तो मैंने बनाया बैंडिट बंडल के ऊपर फर्स्ट टाइम ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाया था एंड वो वीडियो वायरल गया, तब से मैं ड्रेस कॉम्बिनेशन के वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। सो आइडियाज मुझे एक यूट्यूबर को देखकर ही मिला था। उसके बाद मैरी बर्नवाल ने पूछा हमसे, आप अमीर हो या गरीब हो? सो गाइस, मैं आप सभी को मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ। सर मैं बहुत गरीब हूँ सर। सर आपका नाम नाजिम है? सर मैं बहुत गरीब हूँ, कसम से अंधारों का भी। सो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ना ही मैं गरीब हूँ ना ही मैं अमीर हूँ, ठीक ठाक आप लोग कह सकते हो, तो आप लोग समझ जाओ। और प्रतिभा मिश्रा ने पूछा, स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट मिला था? लाइक किसी भी अगर यूट्यूबर से अगर आप लोग पूछोगे कि फैमिली सपोर्ट स्टार्टिंग में मिला था या नहीं, तो सभी को ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि गेम एक सिर्फ टाइम पास है, यूट्यूब सिर्फ टाइम पास वगैरह सब है, सो इससे पैसा कैसे अर्न किया जाता है, एंड आपकी फैमिली बोलते कि ये सब टाइम वेस्ट करने से अच्छा पढ़ ले, IAS वगैरह बन या फिर पुलिस ऑफिसर बन जा या आर्मी ज्वाइन कर ले, सो आपके फैमिली वालों का एक अलग सा ड्रीम होता है एंड आपका अलग सा होता है, तो जब तक आप प्रूव नहीं कर देते कि हाँ भाई इससे भी पैसे आ सकते हैं, तब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, एंड राइट नाउ फैमिली सपोर्ट भी करती है। उसके बाद एक गॉड एक्स डिस्ट्रक्शन ने पूछा, भाई आपको क्यों लगा कि ऑडियंस कॉम्बिनेशन की वीडियो लाइक करेगी और आपका मोटिव क्या था पिक माय क्वेश्चंस? सो गाइस, स्टार्टिंग में जब मैंने कॉम्बिनेशन की वीडियोस बनाए तो मुझे व्यूज अच्छे आने लगे, तो मेरा सिर्फ ये था कि चैनल को अब ग्रो कर पाऊंगा इससे, तो मैंने कॉम्बिनेशन की वीडियोस बनाना शुरू किया। फिर दैट टाइम मुझे पता चला कि हमारी गेमिंग कम्युनिटी में बहुत सारे जो है टॉप ऑफ प्लेयर्स हैं एंड बहुत सारे नोट ऑफ प्लेयर्स हैं, तो मैं दोनों के लिए वीडियोस बनाने लगा कि दोनों जो है अच्छे से अच्छा ड्रेस बना पाए, एंड ड्रेस कॉम्बिनेशन यार बहुत कुछ होता है, लाइक आप लोग पहले के टाइम पे जाओगे तो ड्रेस बहुत ज़्यादा मायने रखता था गेम में गाइस, तो जिसके पास ड्रेस नहीं है वो न्यू बहुत आता हो, तो यही मैं बनाता था लाइक कि कोई भी पहना है जो भी ड्रेस वगैरह पहना है तो उसमें बहुत शानदार एंड ओपी लगे, ओपी लगने से क्या होता है गेम प्ले भी अच्छा होता है भाई अपना। उसके बाद गाइस, योर फेवरेट सब्जेक्ट किसी ने पूछा है, NG माफिया, ठीक है ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? अबे साले कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। सो गाइस, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है गाइस, मजाक सपाट की बात करते हटाते हैं यहाँ से। सो गाइस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है गाइस साइंस एंड होम साइंस, लाइक लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, एंड आपको भी पता है कि क्यों पसंद है, सो आप लोग बताना कि साइंस मुझे क्यों पसंद है। एंड नॉट एपेक्स FF ने यहाँ से पूछे, आपको कैसा आइडिया आया कि ड्रेस कॉम्बिनेशन की वीडियो बनाया जाए? सो गाइस, मैंने यूट्यूबर्स वगैरह को देखा एंड तब पता चला कि ड्रेस कॉम्बिनेशन में कम मार्केट वगैरह है, लाइक यूट्यूब पे कम कंपटीशन है, 3-4 यूट्यूबर्स थे, 3-4 भी नहीं कह सकते, मुश्किल से 3 यूट्यूबर्स थे जो ड्रेस कॉम्बिनेशन के वीडियोस बनाते थे एंड चौथा मैं था, एंड स्टिल अभी आपको बहुत ही कम यूट्यूबर्स देखने को मिलेंगे, एंड अभी तो फिलहाल मैं तो टॉप पे कह सकते, टॉप पे नहीं कहूँ या फिर कहूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन भी बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं ड्रेस कॉम्बिनेशन को लेकर, लेकिन स्टार्टिंग से ही मैं ड्रेस कॉम्बिनेशन के वीडियोस बनाते आ रहा हूँ। एंड उसके बाद ब्रांड 444 ने हमसे पूछा है, यस भाई लव फ्रॉम पाकिस्तान फेस रिवील। सो फिलहाल भाई फेस रिवील का कोई वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से हमारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू आप सभी को, आप लोग कहीं से भी हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, सो थैंक यू। उसके बाद विशाल ने पूछा हमसे, आर योर वॉइस इज रियल और यूज यूंग पिच, इफ़ यूज यूजिंग पिच हाउ इट्स 1, 2, 3, और 4? सो भाई ने पूछा कि मेरा वॉइस रियल है या फिर मैं पिच को यूज़ करता हूँ, यानी वॉइस चेंजर वगैरह यूज़ करता हूँ, तो बस आपको बता दो मैं कोई भी वॉइस चेंजर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, मेरी वॉइस जो है एकदम पूरा एकदम रियल है गाइस, एंड अगर मैं पिच वॉइस यूज़ करूँ तो मेरी वॉइस कुछ इस टाइप की आएगी गाइस। निम्टा दोसरस टेल मी हर तबुस क्रैक ओई कि निम बुमला, कैसा लगा मेरा मजाक?
तो आप सभी को सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं अपने रियल वॉइस को यूज करता हूँ। एंड उसके बाद दैट शॉट गेमर ने हमसे पूछा है चाइल्डहुड फनी इंसिडेंट्स। सो गाइस आप सभी को बता दो गाइस, मैं एक टाइम पे गाइस आपको पता होगा कि आंगनबाड़ी स्कूल्स हुआ करता है, आपको भी मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने आंगनबाड़ी स्कूल्स ज्वाइन किए होंगे एंड बचपन में वहीं पढ़ाया जाता है, लाइक नर्सरी की एजुकेशन वगैरह वहीं दी जाती है। सो गाइस दैट टाइम हम लोग पढ़ने कम और खिचड़ी खाने ज़्यादा जाते थे, तो एक दिन हमसे हमारे टीचर ने पूछ लिया कि तुम लोग पढ़ने तो नहीं आते हो लेकिन खिचड़ी खाने आते हो, पूरा खिचड़ी खा के भाग जाते हो। सो दैट टाइम ये मेरा एक फनी इंसिडेंट था गाइस, एंड उस टाइम में बहुत ज़्यादा हंसी आया था उस टाइम पे हमें, तो एक मेरा फनी इंसिडेंट आप लोग कह सकते हो कि हम लोग पढ़ने कम खिचड़ी खाने की लालच में जाते थे आंगनबाड़ी। आप में से कितने लोग आंगनबाड़ी गए आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एंड उसके बाद गाइस एक बंदे ने हमसे यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं पूछा लेकिन एक रिक्वेस्ट है उसका कि हम अपने गेम प्ले की वीडियोस को वॉइस ओवर के साथ अपलोड करें। लाइक मेरा भी मन करता है गेम प्ले की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ लेकिन बहुत कम ही सपोर्ट मिलता है हमें गेम प्ले की वीडियोस पे, सो मन नहीं करता है अपलोड करने का। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग गेम प्ले की वीडियोस को भी अपलोड करेंगे विद वॉइस ओवर, एंड नेक्स्ट मंथ से तो मैं करने ही वाला हूँ। उसके बाद गाइस एक भाई ने हमसे पूछा कि योर फेवरेट सॉन्ग, तो गाइस आप सभी को मेरा फेवरेट सॉन्ग सुना दिया जाए, तो चलिए आप सभी को मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाया जाए। कोई ना करे से बेहतर। अरे ये गलत क्लिप लगा दिया भाई लोगों ने, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ मेरा फेवरेट सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड गाइस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मोटिवेशन इसको यूज करते होंगे तो आपने भी सुना होगा। एंड व्हाट्स योर फ्रेंड रिएक्शन व्हेन यू हिट 100K? जली ना, तेरी भी जली ना। गाइस दोस्त का क्या रिएक्शन होगा ये तो आपको पता ही होगा भाई, मजा ही आ जाता है भाई। जब मेरे 100 के मैंने जब उनको बताया तो भाई लिटरली रिएक्शन कुछ अलग ही टाइप का था, आप लोग समझ सकते हो। एंड हु इज योर इंस्पिरेशन गाइस, सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, एंड मेरी इंस्पिरेशन आप लोग हो यार, आप लोग हो यार। अगर हमारी वीडियोस के ऊपर ज्यादा सपोर्ट एंड प्यार दिखाते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से उसके ऊपर एंगेज होता है, वीडियोस अच्छी रीच आती है, तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ कि हमें और भी अच्छी वीडियोस इस टाइप की बनानी चाहिए। सो मेरा पूरा मोटिवेशन इंस्पिरेशन जो भी है आप लोग हो यार, आपकी वजह से मैड हाइपर गेमिंग यूट्यूब पे है गाइस, लोग जानते हैं कि मैड हाइपर गेमिंग कौन है। अगर आप लोग नहीं होते, कोई भी नहीं जानता गाइस कि मैड हाइपर गेमिंग कौन है, सो सब चीज आप हो यार हमारी, एंड आप लोग यार बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है गाइस। एंड बाकी के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्यों में पूछेंगे, वो पता नहीं कब आने वाला है, मे बी 500 के ऊपर आया गाइस। एंड फेस रिवील के ऊपर जिस लोगों ने पूछा था कि फेस रिवील कब होने वाला है, सो आपको बता दो जिस दिन मैं पीसी खरीदूंगा गाइस उस दिन मैं फेस रिवील करने वाला हूं। लाइक पूरा एक ब्लॉग होगा, पीसी खरीदने जाएंगे तो पूरा ब्लॉग में मैं फेस रिवील करके बनाऊंगा। सो मे बी हो सकता है मैं अगले मंथ पीसी खरीदूं, उसके अगले मंथ या फिर 6 महीने बाद। सो जब भी पीसी खरीदूंगा तब मैं फेस रिवील कर दूंगा, है ना। वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ क्वेश्चन मिस हो गए तो माफी चाहूंगा आप सभी से। एंड चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड पांच वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना कि हमारी कोई भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी से बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं।